से नए नियम 2019 में लग चुके हैं ट्रैफिक रूल के, तब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को और उनका चालान लगातार काटा जा रहा है। तो इसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है कि चालान ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। जैसा कि भारत सरकार ने अगर रूल से लाए हैं तो उनके लिए सुविधा भी लाया है, आप अपना खुद का चालान ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका चालान किस बेसिस पर किया गया और कितना फाइन भरना पड़ेगा आपको, और अगर आप चाहें तो चालान अपना ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम फुल डिटेल की बात करेंगे, कैसे आपको चेक करना है और कैसे ऑनलाइन आपको अपना चालान जमा भी करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने इस वीडियो में लगातार मैं हूँ पवन चाकलोर और आप देख रहे दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो हमारे आप लगातार देख सकें। तो फुल डिटेल जानने के लिए आ जाना है आपको इस वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पढ़ सकते हैं हाउ टू पे ट्रैफिक चालान ऑनलाइन या हाउ टू चेक ट्रैफिक चालान ऑनलाइन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं नए मोटर व्हीकल न्यू मोटर व्हीकल 2019 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो अब उसे भारत सरकार को 10 गुना ज़्यादा फाइन भरना होगा। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि जो पहले 500 रुपये का चालान कटता था आज वह 5000 का चालान कट रहा है। इन नियमों का भारत में काफ़ी विरोध भी हो रहा है लेकिन भारत सरकार ने परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यदि आपका चालान कट जाता है तो आप इस चालान को ऑनलाइन चेक ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भी कर सकते हैं तथा ऐसे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो आपको देखिए क्या होता है, आप सपोज दैट बड़ी सिटी में रहते हैं, अब वहाँ पर क्या कैमरे लग गए हैं चौराहे पर और आप वहाँ से निकले, आपने थोड़ा सा भी नियम का मतलब पालन नहीं किया तो फोटो अपने आप कैप्चर करके और आपका चालान काट देते हैं, आपको रोकेगा भी नहीं बंदा ट्रैफिक जो ट्रैफिक पर खड़े रहते चेक करने वाले, वो रोकेगा भी नहीं और आपका चालान कट जाएगा। तो अगर आपने मान लो सपोज दिन में आप निकले बाइक से अपने या फोर व्हीलर से तो आपको लगा कि मैंने कहीं रास्ते में गलती की थी, आप निकल गए जल्दी में थे, आप जल्दी में निकल गए, तो आपको एक बार ज़रूर घर आकर चेक करना चाहिए कि हमारा कहीं चालान तो नहीं कट गया है, तो आप उसे पे कर सकते हैं। तो आप भी और भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं चेक ट्रैफिक चालान ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड सारे वो मिल जाएंगे कितना फाइन पड़ता है। देखिएगा पहले जो फाइन था 1000 रुपये था कि हेलमेट पकड़े जाने पर, पहले 100 रुपये था अब 1000 हो गया, तो बहुत चालान बदल गए। तो आपको चेक कर से करना मैं वो आपको बताता हूँ। तो चेक ट्रैफिक चालान ऑनलाइन यहाँ पर देखिए वेबसाइट पर जाना होगा ऑनलाइन चालान चेक करने के लिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप भारत सरकार की जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है parliament.gov.in पर यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ये आता है चालान डिटेल, यहाँ पर आपको तीन तरीके से चालान चेक कर सकते हैं, पहले चालान नंबर से, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, व्हीकल नंबर से, ये आपको पता ही होगा डीएल नंबर से, तो तीन तरीके हैं आप। चलो मैं यहाँ पर चेक करूँगा व्हीकल नंबर से, मतलब व्हीकल आपकी गाड़ी का नंबर है वो डालना है आपको कि आपका चालान हुआ कि नहीं हुआ, आप कैसे पता करें। चलो मैं अपनी गाड़ी नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे आपको कैप्चा दिख रहा है ये आपको डाल देना है कैप्चा, इसका गेट डिटेल पर क्लिक करना है। चालान स्टेटस चालान नॉट फाउंड, मतलब कि जो मैंने गाड़ी नंबर डाला इसमें कोई भी चालान नहीं काटा गया है। तो चलो मैं दूसरी गाड़ी का एक बार और डाल लेता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी नंबर और है, इस गाड़ी का कोई भी चालान नहीं काटा हुआ, देखिए टोटल चालान यहाँ 0 शो कर रहा है। तो मैं एक दूसरी गाड़ी का नंबर डालता हूँ और इसके बाद कैप्चा डालकर फिर से गेट डिटेल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन बंदा का जो भी गाड़ी नंबर था इनका चालान कटा हुआ, टोटल चालान 1 है और वायलेटर नेम जिनका नाम है यहाँ पर उनका नाम दिया गया है, DLRC नंबर भी दिया होता है, चालान नंबर दिया होता है, ट्रांजेक्शन ID नो, अभी तक आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, स्टेट UP का है, चालान डेट कब हुआ है यहाँ पर डेट दिया गया है 2018 5/8, मतलब कि 5/8/2018 को ये इनका चालान कटा था, समय भी दिया है, अमाउंट यहाँ पर 100 रुपये था इन्होंने अभी तक, स्टेटस पेंडिंग है, पेमेंट सोर्स नो, यानी चालान प्रिंट कर सकते हैं, रिसीप्ट ले सकते हैं और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, पे नाउ का ऑप्शन आता है, देखिए सबको डिटेल दिया है। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन चेक पे करना चाहते हैं तो पे नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपना आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास आ जाता है एक OTP, उस OTP को आप जैसे वेरीफाई करते हैं और OTP को वेरीफाई करने के बाद आपसे को ले जाएगा ये पेमेंट गेटवे पर, ठीक है ना। और जैसे मैंने यहाँ पर डाला तो देखिए अभी OTP मेरे पास आ चुका है और मैं OTP यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैं OTP डालकर यहाँ पर सबमिट क्लिक
पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पेमेंट गेट के गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा और मैं बहुत ही आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ। पेमेंट आईडी देश, अमाउंट देश, पेमेंट गेटवे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, SBI का दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से बहुत ही आसानी से पेमेंट करके अपना स्लिप प्रिंट कर लेंगे और जब आप दोबारा से यहाँ पर देखेंगे तो आपका पेमेंट पूरा हुआ दिखाई देगा। ये प्रोसेस था दोस्तों, कैसे चेक करना है, क्या करना है और भी डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फुल डिटेल आपको मिलेगी ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पेमेंट गेटवे आगे नहीं बढ़ रहा है, फिलहाल आपको पेमेंट करना है आज के, अब कुछ भी नहीं करना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे आप जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों गुजारिश है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो दोस्तों वॉच कर रहे हैं तो आप इसको भी वहाँ पर भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।